गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन, आज हम हमारा चैप्टर नंबर 6 सीड्स बिकम्स प्लांट, यानी बीज है वो किस प्रकार से पौधे बनते हैं। इन लास्ट क्लासेस, पिछले क्लास में यू हैव रीड अबाउट प्लांट्स एंड ट्रीज, यानी आपने पौधों और पेड़ों के बारे में पढ़ा होगा। दे आर वेरी यूजफुल फॉर अस, यानी वो हमारे लिए बहुत उपयोगी होते हैं। डिफरेंट पार्ट्स ऑफ प्लांट्स एंड ट्रीज आर यूज्ड एज फूड, यानी पौधे के जो विभिन्न भाग हैं वो भोजन के रूप में उपयोग किए जाते हैं। अब इसमें देखो, थिंक एंड डिस्क्राइब, सोचो और जवाब दो। अब सम फूड आइटम्स आर गिवन बिलो इन ए टेबल, कुछ फूड आइटम्स दे रखे हैं इस टेबल के अंदर। टेल विच पार्ट ऑफ प्लांट दे आर विच वी ईट, जिसको हम खाते हैं, यानी हमें बताने हैं कि पौधे के कौन से भाग हैं जिनको हम खाते हैं भोजन के रूप में। तो पहला है राइस, तो राइस का कौन सा भाग खाते हैं हम लोग भोजन के रूप में? सीड, यानी इसके बीज खाते हैं। एप्पल, एप्पल के फ्रूट, फ्रूट जो पार्ट है वो खाते हैं हम लोग। कैरेट है, गाजर जो है वो इस रूट है, यानी जड़े हैं। बाजरा है, बाजरा भी सीड है, या फिर हम इसको सीरियल्स भी कर सकते हैं। रेडिश है, रेडिश भी रूट पार्ट है। ओनियन, प्याज है, ये भी रूट पार्ट है। मेकिंग ए न्यू प्लांट, यानी नया पौधा कैसे बनता है। इसमें फर्स्ट पिक्चर में देखिए, मोनू गुड्डी सी देयर आर ए लॉट ऑफ सैपलिंग प्लांट्स, वी कैन सी अंडर द नीम ट्री एंड द प्लॉट ऑफ तुलसी, यानी मोनू कह रही है गुड्डी से कि देखिए यहाँ पे बहुत सारे पौधे हैं। वी कैन सी अंडर द नीम ट्री, यानी हम लोग नीम के पेड़ के नीचे देखते हैं द पॉट ऑफ तुलसी, तुलसी का यानी पौधा लगा रखा है एक बर्तन के अंदर। गुड्डी, यस ब्रदर, हाँ भैया, देर आर मैनी, यानी हाँ भैया बहुत सारे हैं। भैया, फ्रॉम वेयर आर दे के कम, यानी भैया ये कहाँ से आते हैं। हु टुक देम हेयर, इनको यहाँ पे कौन लाया। मोनू कह रहा है गुड्डी से, इन रेनी सीजन, यानी वर्षा ऋतु में, दे ग्रो अप बाय देम सेल्वेज, यानी वर्षा ऋतु में ये अपने आप उगाते हैं। गुड्डी, भैया आई हैव पुल ए प्लांट, सी समथिंग इज देयर इन इट, भैया इस पौधे को देखिए इसमें कुछ है। मोनू कह रहा है गुड्डी से, गुड्डी सी इज चनाज प्लांट, यानी यह चने का पौधा है। वी कैन सी द रूट्स कमिंग आउट फ्रॉम चना इन डाउन साइड, यानी हम देखते हैं कि जो चने की जड़ें हैं चना बाहर आने के बाद ये चने जड़ जो हैं वो नीचे की तरफ चली जाती हैं। प्लांट्स ग्रो फ्रॉम इट, जड़ें जब यानी जो चना है वो नीचे चला जाता है तो पौधा उगाता है। सो इट अगेन इन सोइल, तो वापस इसको जमीन में बो देते हैं। ये देखिए इसमें जर्मिनेशन ऑफ सीड्स कि किस प्रकार से पौधे का जर्मिनेशन होता है, किस प्रकार से बीज के बाद में पौधा बनता चला जाता है। जर्मिनेशन ऑफ सीड्स ऑन द फेस्टिवल ऑफ बच्छ बारस, यानी बच्छ बारस के त्यौहार पे, जिसको वट द्वादशी भी कहते हैं। गुड्डीज मदर टाइड द बी मूंग मोट एंड चना इन ए कॉटन क्लॉथ, यानी गुड्डी की जो मम्मी है वो एक कपड़े के अंदर मूंग मोट चने बांध लेती है। नेक्स्ट डे मॉर्निंग वेन दे ओपन द क्लॉथ देन गुड्डी आस्केट टू हर मदर, यानी अगली सुबह जब वो उस कपड़े को खोलते हैं तो गुड्डी अपनी मम्मी से पूछती है, गुड्डी मम्मी से पूछ रही है, मदर वॉट आर दीज वाइट थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर कमिंग आउट फ्रॉम मूंग, मम्मी ये इसमें सफ़ेद थ्रेड जैसी जो स्ट्रक्चर्स हैं वो मूंग से बाहर आ रही हैं वो क्या हैं। मदर कह रही है, इट इज रूट डियर फ्रॉम इट सेपलिंग विल कम आउट, यानी प्रिय ये है इसकी जो मूंग है वो इसकी जड़ें हैं जो इससे बाहर आ गई हैं। इट इज कॉल्ड जर्मिनेशन, हम इसी को जर्मिनेशन कहते हैं।
ऐसे ही यानी हम लोग देख कर खुद भी कर सकते हैं ऐसे प्रैक्टिस की। एक बाउल लेते हैं, उसमें कुछ बीज मूंग या चना या मोट के रखते हैं, फिर इसको हम पानी से भर सकते हैं। फिर बाद में उस गीले कपड़े के अंदर कुछ वो जो मूंग वगैरह है या चने हैं मोट है इनको बांध लेते हैं, फिर उसको यानी रख देते हैं। बाद में देखेंगे कि उनके अंदर जर्मिनेशन की प्रक्रिया है जो होने लगती है। फर्स्ट डे कुछ होती है, सेकंड डे कुछ होती है, थर्ड डे कुछ, और फोर्थ डे वो बड़े होने लगते हैं। देखो बाद में जर्मिनेशन होने के बाद में ये किस प्रकार से जो मूंग वगैरह हैं ये बनने लगते हैं।